हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाउस दिखाने जा रहा हूँ जो कि डबल स्टोरी हाउस बना हुआ है, डुप्लेक्स विला। तो इसकी जो लोकेशन रहेगी वो खरड़ कुराली एनएच पे है, ऑन हाईवे है, हाईवे से 1 किलोमीटर के अंदर है। तो यहाँ से चंडीगढ़ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मोहाली 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अमायरा ग्रीन्स नाम से सोसाइटी बनी हुई है इसके बैक साइड पे, तो बिल्कुल हाईवे के नियर है। एंड जो इसका हाउस का साइज़ रहेगा वो 125 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। ये 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, 1 BHK फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो नीचे आप खुद रह सकते हैं, ऊपर रेंट पे भी इसको दे सकते हैं। यहाँ से रियाद बारा यूनिवर्सिटी बिल्कुल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बैक साइड ये हमारा सनी एनक्लेव आ जाता है, सेक्टर 125 मोहाली। तो नियर बाई काफ़ी हाउस भी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, प्लॉटिंग भी है हमारे पास इधर, ऑलरेडी सारी सेल आउट है। यहाँ पे हमारे पास 91 स्क्वायर यार्ड में हाउस भी बने हुए हैं। तो अब मैं इसका अंदर से आपको वीडियो दिखा दूँ। तो मेन एंट्रेंस पे गेट रहेगा, बाहर हमने फेस टाइल लगाई हुई है इस पे सारी में। तो ये हमारी पार्किंग आ जाती है, इसमें आपकी ईजिली एक गाड़ी अंदर पार्क हो सकती है। तो इसके बिल्कुल साथ ओपन एरिया आ जाता है, इसमें भी हमने 6 फीट तक अपना बाउंड्री की हुई है। एंड फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स आ जाती हैं, मार्बल फ्लोरिंग रहेगी। तो अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिविंग एरिया आ जाता है हमारा, तो इसमें भी डाउन सीलिंग रहेगी आपकी। बाकी हमने ये LCD पैनल दिया हुआ है सामने, कबर्ड्स वर्क कम्प्लीट रहेगा इस हाउस में। तो इसके साथ ही ये हमारा किचन एरिया आ जाता है, बहुत शानदार, काफ़ी स्पेसियस किचन रहेगा। तो इसमें सारा काम कंप्लीट रहेगा, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा। एंड देख सकते हैं आप, टाइल वर्क रहेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है, ऊपर डाउन सीलिंग रहेगी। तो कवर्ड किचन रहेगा। अब मैं अंदर से आपको दिखा दूं, तो काफ़ी बड़ा किचन बनाया हुआ है हमने ताकि इजीली सारा सामान आपका यहाँ पे लग सके। ऊपर भी हमने कबर्ड्स दिए हुए हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा चिमनी का एरिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 सिंक रहेंगे हमारे एंड 6 टैप्स रहेंगे। तो ये हमारा किचन था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये भी हमारा हॉल आ जाता है, लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा किया हुआ है हमने। तो इसको आप एज ए रूम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसका रूम बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। 3 BHK सेट नीचे आराम से बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। तो ये हमारा बेडरूम आ जाता है, इसका साइज़ जो है वो रहेगा 10x13 का। इसमें डाउन सीलिंग कंप्लीट रहेगी, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा, इसमें हमारा LCD पैनल भी दे रहे हैं हम इसमें लगा के। बाकी ये हमारा ड्रेसिंग एरिया जाता है, अभी काम हमारा चला हुआ है। हाइड्रोलिक कबर्ड्स रहेंगी सारी। तो इसके साथ ये हमारी वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आ जाती है, साथ में ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, इसमें आप लिविंग एरिया से भी एंटर हो सकते हैं इसमें। तो इसमें 6 फीट तक टाइल वर्क रहेगा, बाकी बाथ फिटिंग सारी कंप्लीट देंगे आपको, वॉश बेसिन देंगे, सीट देंगे, टैप्स वगैरह सारा कंप्लीट रहेगा, टाइल वर्क कंप्लीट रहेगा। अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। तो इसका जो साइज़ है वो 10x12 का रहेगा, डाउन सीलिंग कंप्लीट रहेगी, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा। तो इसमें हमने कॉर्नर पे ये कबर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपका स्लाइडिंग कबर्ड्स आ जाते हैं। एंड ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, सामने LCD पैनल रहेगा, पीछे हमारा वॉशिंग एरिया जाता है ये। तो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सोसाइटी ये बनी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया जाता है, इसके ऊपर भी हमने कवर किया हुआ है सारा ये जाले लगा के। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की
की ओर, तो ऊपर हमने 1 BHK बनाया हुआ है। ये हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं, तो सामने ये हमने बंद किया हुआ है एंड इसमें भी हमने डाउन सीलिंग की हुई है पौड़ी के ऊपर वाले स्पेस पे। इसमें हम रेलिंग वर्क कंप्लीट रहेगा आपका, स्टील की रेलिंग लगेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हॉल आ जाता है, हॉल में भी हम डाउन सीलिंग दे रहे हैं। बाकी इसके साथ अभी यहाँ पे हमारा किचन काम चला हुआ है इसका भी, तो किचन भी काफ़ी स्पेसियस है। इसको आप एज ए रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये हमारा 1 बेडरूम आ जाता है, इसमें डाउन सीलिंग कंप्लीट रहेगी, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा एंड इसके साथ ही हमारा बालकनी एरिया जाता है। ये देख सकते हैं आप बाहर की लोकेशन, आसपास काफ़ी सारे हाउसेस बने हुए हैं, काफ़ी सारी फैमिली स्टे करती हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी चली हुई है, प्लॉटिंग हमारी सारी बिकी हुई है यहाँ पे। अगर आप प्लॉट पे भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। तो ये हमारा 1 बेडरूम था। अब इसका जो हमने वॉशरूम दिया हुआ वो अलग दिया हुआ है, तो वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, 6 फीट तक टाइल वर्क है, डाउन सीलिंग सभी कमरों में वॉशरूमों में दी हुई है हमने। एंड ये हमारा बाहर का एरिया जाता है, तो काफ़ी स्पेसियस है। कल को आप इस पे भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी छत के लिए हमने ये रेलिंग लगाई हुई है लोहे की। ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सारे हाउसेस बने हुए हैं, सोसाइटीज़, काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे नियर बाई। हमारा ग्रीन्स है, GPP है, निर्वाणा ग्रीन्स है, तो बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन है रहने के लिए। तो इसमें हमारे पास और भी हाउसेस चल रहे हैं जो कि खरड़ लुधियाना नेशनल हाईवे पे हैं, बिल्कुल खरड़ बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमारे पास ये हमने 7 BHK हाउसेस बनाए हुए हैं, जो कि ट्रिपल स्टोरी हाउस बने हुए हैं। इसमें 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे है, 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे है, 3 BHK टॉप फ्लोर पे है। तो ये हमारे 2 हाउस सोल्ड आउट हैं। इसमें हमारे पास डुप्लेक्स विलाज पड़े हुए हैं 108 गज के, 4 BHK, बिल्कुल हाईवे पे हैं, गेटेड सोसाइटी के अंदर हैं, 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हाउसेस भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं। तो यहाँ पे भी आप बाय करना चाहें तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 4 BHK हाउस। 2 बेडरूम सेट नीचे रहेंगे, 2 बेडरूम सेट ऊपर रहेंगे। यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल्कुल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो रेंटल इनकम भी अच्छी है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हाउसेज हमने ये बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन की हम गारंटी लेते हैं। एंड इसमें 30 फीट तक फ्रंट रोड रहेगा एंड जो इसका साइज़ है, जो कवर्ड एरिया है, 2250 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया रहेगा इसका। ये आप देख सकते हैं सामने भी काफ़ी हाउसेज चले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन चली हुई है, ये हमने नीचे फाउंडेशन वर्क स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।